अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, एक क्विक सी रेसिपी लेफ़्ट ओवर्स के साथ। ये बीफ बचा हुआ था, इसको मैंने हाथ से श्रेड किया। सब्ज़ मिर्चें 3 लेके, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, छोटी प्याज, प्याज को आप चाहें तो वर्ड भी कर सकते हैं। दाल मेरे पास फ्रोज़न थी, उसको आपने चॉप करना है प्याज़ों के साथ। पहले प्याज करेंगे और उसके बाद आप अगर प्याज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको पानी निचोड़ लीजिए। मैंने अभी नहीं किया, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप अंडा शामिल नहीं करना चाहते हो, मिर्चें डाल के इसको चॉप किया और उसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं, कुटी लाल मिर्च अपने हिसाब से और नमक। गोश्त में क्योंकि पहले ही था तो उसमें उसका मार्जिन आपने उसमें ज़रूरत नहीं है उसका मार्जिन रखने की। गरम मसाला डालें चाहें तो थोड़ा चाट मसाला डालें। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करें। अब क्योंकि प्याज है इसमें डला हुआ, इसमें मॉइस्ट है तो बाइंडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक अंडा मैंने लेके उसको फेंट लिया है। मैं देखूंगी अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो, अगर मॉइस्ट होगा तो आप इसमें क्योंकि अगर आप इस लेवल पे स्टेज पे अगर आपने प्याज नहीं ऐड किया हुआ तो यूँ बगैर प्याज के यूँ मिक्स करके शैलो फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने क्योंकि मुझे प्याज अच्छा लगता है तो उसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। लेकिन ये इसके बाद एक बड़ा चम्मच जो है वो कांतार जो है मैंने इसमें ऐड किया है ताकि इसके लेयर जो है ऊपर से वैसे तो क्रिस्पी रहेगी अगर आपने प्याज नहीं ऐड किया हुआ। लेकिन जैसे मैंने प्याज ऐड किया है तो उसमें मैंने कांतार ऐड किया है। उसके बाद इसको मिक्स करके इसका कबाब बनाया और शैलो फ्राई देखे कि वो थोड़े से ऑयल में है और लो हीट पे इनको करना है ताकि सरफेस इसकी क्रिस्पी हो जाए। जी तैयार हैं, इनको एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।